गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना बांधनी साड़ी कलेक्शन होने वाला है। जितनी भी साड़ियां हैं सारी ही बांधनी पैटर्न पे हैं एंड ये वाला प्रिंट ना एवरग्रीन रहता है। आप कभी भी पहनिए, इसका फैशन आउट नहीं होता है। तो इस तरीके की आप एक साड़ी जरूर रख सकती हैं अपने वार्डरोब में, क्योंकि जैसे कभी कभी कुछ ऐसा छोटा मोटा कथा पूजा फंक्शन है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या पहने, तो आप इस तरीके की साड़ियाँ वेयर कर सकती। चलिए मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट बांधनी साड़ी है ना, ये एकदम लाइट वेट साड़ी है एंड बॉर्डर के साथ आती है। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, पॉली जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी है। ये देखिए, इस तरीके का सिल्क टाइप का फैब्रिक है। ये थोड़ा सा शाइन भी है फैब्रिक में। फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड ये साड़ी 421 में है। इतनी सस्ती मिल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मंगा के देखा जाए कि ये किस तरीके की है। जैसी दिख रही है वैसी आती भी है कि नहीं, तो आने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी। कलर, डिज़ाइन, फैब्रिक, हर तरीके से बांधनी साड़ी है। अगर आप जॉर्जेट फैब्रिक पे ना जाके कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं तब आप ये वाली ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक में है। फैब्रिक का क्वालिटी इसका अच्छा लग रहा है एंड पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, देखने में भले ही चौड़ा है लेकिन एकदम लाइट वेट बॉर्डर है। साड़ी में बांधनी प्रिंट मिलता है इस तरीके का। साड़ी की लंबाई चौड़ाई एकदम अच्छी खासी पर्याप्त है। लंबी साड़ी है, अगर हेल्दी है तो भी छोटी नहीं पड़ेगी एंड लंबी है, 5-6 हाइट है तो भी आपको छोटी नहीं पड़ेगी, ऊंचाई से भी एकदम परफेक्ट आएगी। ये यहाँ से बॉर्डर मिलता है जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं एंड साड़ी पे आते हैं, तो पूरी ही साड़ी सेम इसी तरीके की है। फैब्रिक एकदम मक्खन है, सॉफ्ट फैब्रिक है। फैब्रिक का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। बहुत ही बढ़िया सी है। जितना हम लोग फर्स्ट ब्रेक में लेते हैं इतना सा फैब्रिक ऐसा छूटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है एंड इसी से लगा हुआ बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक मिलता है। थोड़ा सा थिक वाला फैब्रिक है लेकिन फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है। पर्पल कलर का ये ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है और इस टाइम पर्पल कलर बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, तो इसके लिए भी और अच्छा है, पर्पल कलर की साड़ी रख सकती हैं। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जिसे आप अपने स्लीव में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। अच्छा खासा बॉर्डर है, हेल्दी है तो भी छोटा स्लीव जैसे बनवाओ तो बॉर्डर छोटा पड़ जाता है ना, लेकिन इसमें छोटा नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा ये एक फिट मतलब है, अच्छा खासा है बॉर्डर। ये थी साड़ी जो कि 421 में है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है तो ये बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है। ये देखिए पिंक कलर में है एंड ये मुझे क्यों पसंद आई मैं दिखाऊंगी आपको, आगे चल के बताऊंगी कि मुझे क्यों ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पिंक कलर की है, रानी पिंक कलर है इसका एंड वेट दिखाती हूँ आपको। इसमें की बहुत सारी साड़ी आपने देखी होंगी एक कलर में, लेकिन ये जो है ना तो ये कई सारे कलर में है और ये थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है मुझे कान में। ये कुछ इस तरीके का है, वेट में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसा पल्ला मिलता है, पल्ले में इस तरीके का बांधनी प्रिंट मिलता है येलो एंड पिंक के कम्बिनेशन में। इसमें बहुत अच्छी बात है कि कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लाउज के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इस तरीके का पल्ला मिलता है एंड ये देखिए पल्ले से इधर आते हैं ना, तो इस तरीके का प्रिंट हो रखा है, बांधनी प्रिंट मिलता है। ऐसा बॉर्डर मिलता है ऊपर एंड नीचे दोनों ही साइड में। वेट में दिखाती हूँ आपको, ये ऊपर एंड नीचे दोनों ही साइड में इस तरीके का बॉर्डर है। ये देखिए ऐसा पूरी ही साड़ी में सेम टू सेम ऐसा ही बॉर्डर मिलता है इस तरीके का। ऐसा पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है एंड लास्ट में येलो कलर का ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, तो येलो एंड ये जो पिंक का कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इस तरीके से ये इतना सा ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है जो कि इस तरीके का प्रिंट हो रखा है एंड ऐसा पिंक बॉर्डर मिलता है, जो कि चाहे पिंक बॉर्डर वैसे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है मुझे। साड़ी का फैब्रिक, ब्लाउज का फैब्रिक तो अच्छा है, तो ये चाहें तो बॉर्डर ना भी लगवाएं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगवा भी सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शन है और सारे के कंट्रास्ट में आपको ब्लाउज भी मिल जाएंगे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके साथ एंड इसमें की नेक्स्ट साड़ी जो है ये कुछ इस तरीके की रेड कलर की अगेन साड़ी है बांधनी पैटर्न में एंड बॉर्डर के साथ आती है। तो अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है और आप कम रेंज में अंडर 500 के रेंज में साड़ियाँ चाहती हैं बांधनी साड़ी और इस तरीके की ससुराल में पहन सके, तो ये सारी साड़ियों के कलर अच्छे हैं, डेली वेयर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, कलर उतना ही अच्छा है इसका एंड फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा है। ये पल्ले में इस तरीके के टसल्स लगे हुए हैं रेड कलर के एंड ऐसा बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि हैवी बॉर्डर है। रेड कलर की साड़ी है एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि 447 की रेंज की साड़ी है, इतनी सस्ती साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत है, जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है,
फैब्रिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बॉर्डर लाइट वेट है एंड कम बजट में अच्छी साड़ी चाहती हैं बांधनी तब ये वाली ट्राई कर सकती हैं। इसमें और कोई कलर ऑप्शन मुझे नहीं दिखा एंड अमीशो पे है तो बहुत सारी साड़ियाँ लेकिन बॉर्डर सेम टू सेम ऐसा नहीं है, बॉर्डर में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसका जो फैब्रिक है ना एकदम चिकना फैब्रिक है, ये इस तरीके का ऐसा इतना सा ऐसा खाली छुटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है एंड लास्ट में इसी में लगा हुआ ये ड्यूबिन सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज मिलता है जो कि थोड़ा सा पतले फैब्रिक में है लेकिन क्वालिटी से अच्छा है एंड ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जिसे आप इसके स्लीव में या फिर बैक में जहाँ भी चाहे बनवा सकती हैं एंड ब्लाउज का जो फैब्रिक है एकदम पर्याप्त है, लंबाई चौड़ाई से साड़ी एकदम इनफ है, लंबी चौड़ी है साड़ी। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो है ना साड़ी तो ये कुछ इस तरीके की पर्पल कलर में है, जैसा मैंने पिंक वाला दिखाया ना उसी के टाइप की ये साड़ी भी है लेकिन ये सिंगल कलर में है। ये साड़ी मैंने अपनी मम्मी के लिए रखी हुई है, उन्हें मैं गिफ्ट करूंगी जब भी मैं जाऊंगी अपने मायके, तब उनके ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सेम ऐसी ही कलर में साड़ी मैंने अपनी बड़ी मम्मी को भी गिफ्ट किया था तो बहुत पसंद आई थी सबको और ये वाली मैंने रखी है मम्मी को गिफ्ट करने के लिए। साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड कलर बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत इजी रहती हैं ये सब, घर के लिए बहुत ही सही रहती है, कम्फर्टेबल रहता है इसका फेब्रिक वगैरह, इतना हल्का रहता है ना कि मस्त लगती है पहनने के बाद। वेट मैं इसका पल्लू ढूंढ रही हूँ कहाँ है, ये कुछ इस तरीके का पल्ला मिलता है, पल्ले में ऐसा देखिए ये पल्ले में इस तरीके का बांधनी प्रिंट मिलता है, बांधनी प्रिंट में साड़ी है, ऐसा ये बॉर्डर मिलता है एंड नीचे के साइड में भी सेम ऐसा ही सिल्वर जरी का बॉर्डर हो रखा है एंड इसकी लंबाई अच्छी खासी है तो अगर आपकी हाइट 5'7" है तो भी आप फ्लैट्स के साथ इसे पहन सकती हैं इस तरीके से, सॉरी ऊंचाई अच्छी खासी है एंड लंबाई भी अच्छी खासी है। इसका जो पैटर्न है बांधनी का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, गोल गोल सा डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ब्राइड हैं तो भी ले सकती हैं, ससुराल में जैसे कभी थोड़ी देर के लिए पहनना है तो पहन सकती हैं एंड अगर आप इसे हैवी ब्लाउज के साथ कैरी करें तो हैवी लुक भी दे सकती हैं क्योंकि साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड बांधनी प्रिंट तो अच्छा लगता ही है। शांत रहो, ये लास्ट तक इस तरीके का है, देखिए पूरा लास्ट तक ऐसा प्रिंट मिलता है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है एंड इसके साथ जो ब्लाउज मिलता है तो ब्लाउज इसके साथ प्लेन आता है, इस तरीके का प्लेन फैब्रिक में ब्लाउज है, ये देखिए ऐसा ये। ऐसी ही साड़ी का मैं पहले रिव्यू कर चुकी हूँ लेकिन वो बांधनी में ही था, चौकोर वाला बॉक्स वाला प्रिंट था लेकिन इसमें जो है तो ये गोल वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसके। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो है तो ये कुछ इस तरीके की बांधनी साड़ी है, ये वाली साड़ी 741 में है, 741 के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, कलर फैब्रिक डिज़ाइन बॉर्डर जो है तो ये हैवी है, ये देखिए ये इस तरीके की साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, इसका जो बॉर्डर है हैवी सा बॉर्डर मिलता है तो ब्राइड्स के लिए भी बेस्ट है एंड बांधनी प्रिंट तो है ही इसमें। मैं पूरी ओपन करके दिखाती हूँ आपको पल्ले से, ये कुछ इस तरीके का पल्ला मिलता है, पल्ले में ऐसा प्रिंट है, रेड कलर की साड़ी है एंड ये इस तरीके का प्रिंट मिलता है, मतलब ये जो है ना ये छाप जो बने हुए हैं ये इसी में मर्ज है, ऐसा नहीं है कि अलग से प्रिंट किया गया है, ये जो व्हाइट वाला है ये अलग से किया गया है तो ये वैसे छूटने का तो नहीं लग रहा है लेकिन हाँ ये वाला अलग से प्रिंट है। ऐसा मरून कलर का बॉर्डर मिलता है, कट वर्क का है डिज़ाइन बॉर्डर में, मरून कलर का बॉर्डर है, उसी पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें बीच में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंट है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं ना वहाँ तक ये वाला बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर है इनफ है बॉर्डर, ये इतना सा बॉर्डर है एंड इधर आते हैं जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं तो पूरी ही साड़ी सेम ऐसी ही है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। नीचे के साइड में ये बॉर्डर मिलता है, ये इस तरीके से ऐसा, ये देखिए ये पूरी ही साड़ी सेम टू सेम ऐसी ही है, इसी तरीके की प्रिंट की, ऐसे आपको भले ही थोड़ी सी कम अच्छी लग रही हो लेकिन जैसे ये जो व्हाइट वाला प्रिंट है ये लग रहा होगी ऐसा प्रिंट है लेकिन पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये वाली साड़ी। ट्राई ऑन आप लोग देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इतना सा 60 सेंटीमीटर आई थिंक ऐसा थोड़ा सा फैब्रिक छूटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का ये बॉर्डर कंटिन्यू हो जाता है। इसके साथ ब्लाउज जो मिलता है मरून कलर का है, आप चाहें तो रेड ब्लाउज ही पहन सकती हैं, ऑरेंज ब्लाउज है तो उसके साथ वेयर कर सकती हैं। ये ड्यूबिन सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज मिलता है, ब्लाउज का जो फैब्रिक का क्वालिटी है अच्छा है एंड इनफ है कि बन भी जाएगा ब्लाउज, ऐसा नहीं है कि फैब्रिक कम पड़ जाए एंड ये बॉर्डर मिलता है जिसे आप अपने स्लीव में या फिर बैक में जहाँ भी बनवाना चाहे बनवा सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी एकदम नीट एंड क्लीन हो रखी है। साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ब्राइड्स के लिए भी अच्छी है
एंड वैसे आपको किसी हॉल की वेडिंग वगैरह अटेंड करना है उसमें पहनना चाहती हैं तो भी पहन सकती हैं। हैवी ब्लाउज है इसका, साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। आज के हॉल वीडियो की आई थिंक बांधनी साड़ी कलेक्शन में से नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी है ये, एंड थोड़ी सी हैवी साड़ी भी है ये। मैं दिखाती हूँ वेट आपको। ये इस तरीके का पल्ला मिलता है, पल्ले में ना ये देखिए रेड एंड येलो की कम्बिनेशन में साड़ी है, ऐसा बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ग्रीन कलर का बॉर्डर है, सीक्वेंस एंड जरी के धागे से एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एंड आप ध्यान से देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। बांधनी प्रिंट मिलता है, कलर कम्बिनेशन आपको इसमें और भी मिल जाएंगे, एंड ये जो पल्ले वाला पोर्शन है ये 2 मीटर है, 2 मीटर पूरा मिलता है ये बॉर्डर, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये बॉर्डर आता है, एंड ये कुछ इस तरीके की साड़ी है येलो एंड रेड के कम्बिनेशन में। एग्जैक्टली जैसा कलर है वैसा ही आपको वीडियो में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डिफरेंट कलर दिख रहा हो, एग्जैक्टली वही कलर दिख रहा है जैसा है ये, इस तरीके का ये देखिए ऐसी है पूरी ही साड़ी, सेम इसी पैटर्न पे है, तो ज़्यादा कुछ तो बताने के लिए नहीं है, लेकिन साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। लास्ट में जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है उतने में बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में ये वाला बॉर्डर मिलता है इस तरीके का, एंड इसी से लगा हुआ बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज का फैब्रिक है ये, इतना सा अच्छा खासा 1 मीटर ब्लाउज का फैब्रिक है इसका। ब्लाउज का फैब्रिक और साड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इस तरीके का ब्लाउज का फैब्रिक है, एंड ये बॉर्डर मिलता है जो कि आपके स्लीव में या फिर बैक में जहाँ भी बनवाना चाहें बन जाएगा, ये इतना सा बॉर्डर मिलता है। जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलती है। साड़ी एंड ब्लाउज का जो कलर कम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा, अगर कुछ पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अंदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।